राजा सुबह जल्दी उठ गए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि राजा ने विचार किया पहली बार संत दर्शन हुए हैं, पहली बार सत्संग सुना है, एक बार 4 बजे उठ के देख लेते हैं, फायदा हुआ लाभ हुआ तो जीवन भर 4 बजे उठेंगे, और लाभ नहीं हुआ तो फिर 8 बजे वाला प्रोग्राम तो है ही है, वापस शुरू कर देंगे, दिक्कत क्या है। और बात तो सच है, कोई महात्मा जी, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई विद्वान आपको कोई अच्छी बात बताए, एक बार पालन करके देखो, लाभ नजर आवे, कोई फायदा नजर आवे तो जीवन भर उस कार्य को करो, और लाभ नजर नहीं आवे तो बंद कर दो, लेकिन कम से कम प्रारंभ तो करो। तो राजा भी सुबह 4 बजे उठे, धोती कंधे पर डाली और चल पड़े नदी पर स्नान करने के लिए। जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए गई, देखा मेरे भाई बहनों कि कल जिन महात्मा जी ने सत्संग सुनाया है वो महात्मा जी तो पहले से ही नदी के तट पर बैठे हैं स्नान करके, और ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उसी नदी के बीचों बीच एक बगुला पक्षी खड़ा है। बगुला जानते हैं आप, सफेद रंग का एक पक्षी आता है बगुला। मेरे भाई ने उसी नदी के बीचों बीच बगुला खड़ा है एक टांग ऊपर करके। पहले वो चोंच डालता है पानी में, फिर पास पे पत्थर पड़ा है उस पे अपनी चोंच रगड़ता है, फिर वापस अपनी चोंच पानी में डालता है, वापस पत्थर पर रगड़ता है। बगुला बार बार मेरे भाई बहनों इसी क्रम को दोहरा रहा है। पहले चोंच डालता है पानी में, फिर पत्थर पर रगड़ता है, वापस पानी में डालता है, फिर पत्थर पर रगड़ता है। महात्मा जी बैठे बैठे उस बगुले को देख रहे थे। देख करके बगुले को कहा, रहे बगुले तू एक टांग ऊपर करके इस तरह से खड़ा है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आकर तुझे देखे तो लगे कि कोई पिछले जन्म के सिद्ध महात्मा जी एक टांग ऊपर करके और साधना कर रहे हैं। लेकिन बगुले तू क्या कर रहा है मुझे पता है, तेरा भेद मुझे पता है। तू पहले पानी में चोंच डालता है मछली पकड़ने के लिए, फिर उसको पत्थर पर रगड़ता है उस चोंच की धार को तेज करने के लिए, वापस पानी में डालता है चोंच को मछली का शिकार करने के लिए। तो तू कर तो शिकार रहा है, लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति तुझे देखे तो देख कर वो भ्रमित तो हो ही जाएगा। मेरे भाई बहनों, इस सारे घटनाक्रम को उन महात्मा जी ने एक दोहे के रूप में बगुले को गा के सुनाया। क्या कहा आप भी ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। संत कह रहे हैं उस बगुले को, घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिस डारे पानी, घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिस डारे पानी, जेही कारण तुम घिसते हो वो कारण हम जानी रे बगुला, वो कारण हम जानी, वो कारण हम जानी रे बगुला, वो कारण हम जानी। बगुले को क्या कहा कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जेही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। जैसे ही मेरे भाई बहनों बगुले को ये पंक्तियां कही महात्मा जी ने, पास में राजा स्नान कर रहे थे उनके कान में पड़ गई। जैसे ही ये पंक्तियां उन राजा ने सुनी उनको तुरंत याद हो गई, क्योंकि सुबह सुबह हम जो सुनते हैं ना वो तुरंत याद हो जाता है। और आपने अनुभव भी किया होगा कि सुबह सुबह अगर कोई बात आप सुन लेंगे तो फिर दिन भर आप उसी को गुनगुनाएंगे। कोई भजन सुबह सुन लिया तो फिर दिन भर वही भजन गुनगुनाते हैं। राजा ने भी ये पंक्तियां सुन ली कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जेही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। राजा को याद हो गया। राजा गुनगुनाते 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 चले गए महल में। अब राजा के महल का एक नियम था मेरे भाई बहनों कि राजा की हजामत बनाने, दाढ़ी बनाने, शेविंग के लिए रोज एक नाई देवता, एक सेन देवता आते थे। आज भी वो नाई देवता सेन देवता दाढ़ी बनाने के लिए राजा के महल में जा रहे थे, लेकिन आज बीच में उस राज्य के प्रधानमंत्री जी ने नाई को रोक लिया। कहा रुको 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 नाई देवता, कहाँ जा रहे हो? कहा राजा की दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। कहा अच्छा, तो आप राजा की दाढ़ी बनाते हैं? कहा हाँ हम ही बनाते हैं। कहा कितने वर्ष हो गए दाढ़ी बनाते बनाते?
का वर्षों की कहां बात कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जब भी कोई राजा बनते हैं उसकी दाढ़ी हमारे ही परिवार के लोग करते हैं। का क्या बात है, तुम तो कोई साधारण नहीं हो, तुम तो राजनाई हो, राजसेन हो, क्योंकि राजा की दाढ़ी बनाने वाले हो। अभी तक तो राजा की दाढ़ी बनाते बनाते इतना धन कमा लिया होगा कि एक बड़ा सा महल होगा, बहुत बड़े बड़े कोठियों में अन्न धन रखा होगा, क्योंकि आखिरकार राजा के नाई हो, साधारण व्यक्ति तो हो नहीं। इतना सुनते ही वो नाई बेचारा मुस्कुराया, कहा प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं है, आप महल की बात कर रहे हो, टूटी फूटी झोपड़ी है जो किसी भी वक्त हवा का झोंका आते ही गिर सकती है, और अगर आप बात करें अन्न धन की तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अरे नहीं, इतने वर्षों से दाढ़ी बना रहे हो और वो भी राजा की, और अभी तक यही हाल है तुम्हारे। अगर तुमने मेरा एक काम कर लिया, अगर तुमने मेरी एक बात मान ली, तो इतना धन, इतना पैसा, इतना रुपया मैं तुम्हें दूंगा कि तुम्हारी सात पीढ़ियां बैठे बैठे खाए तो भी कम पड़ने वाला नहीं है। का अच्छा, ऐसा क्या काम करना है मुझे? का बिल्कुल छोटा सा काम है। का लेकिन करना क्या है वो तो बताइए। का इस पूरे संसार में वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। का लेकिन काम का कोई नाम तो होगा, बताइए करना क्या है। कहा देखो, तुम नाई हो इसीलिए राजा के कक्ष में बेरोक टोक जाते हो रोज। कहा हाँ। उस्तरा लेकर के जाते हो? कहा कि हाँ। उस्तरा जानते हो आप लोग? पहले दाढ़ी उस्तरे से बनाई जाती थी, तो उस्तरे को लेकर के जाते हो? कहा कि हाँ। तो बस इतना सा करना है कि रोज उस्तरा घुमाते हो राजा की दाढ़ी पर, आज वही उस्तरा घुमाना है राजा की गर्दन। राजा मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो पीछे से फिर राजा मैं बनूंगा, और मैं राजा बन गया तो इतना धन दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी सात पीढ़ियों को फिर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखना मेरे भाई बहनों, पाप का बाप है लोभ। जब तक लालच नहीं आता है ना मन में, लोभ नहीं आता है, तब तक इंसान कोई गलत काम करना तो बहुत दूर की बात है, गलत काम करने के विषय में विचार भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही लालच आया, लोभ आया मन में, फिर न भाई भाई का रहता है और फिर न बेटा बाप का रहता है। ले लालच मेरे भाई में न बड़ी खतरनाक चीज है। जिस नाई ने पीढ़ियों से सेवा की थी उस राजा के परिवार की, लेकिन आज धन की बात सुनते ही मन में लोभ आ गया। कहा करना क्या है, सिर्फ उस तरह यहां से यही तो घुमाना है, चार इंच नीचे की तो बात है। कहा ठीक है मेरे भाई बहनों। नाई गया राजा के कक्ष में, रोज तो राजा ना करके मेरे भाई बहनों उठता मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो सोता भी रहता है कई बार तो ना ही उठाता है, लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे। आज तो राजा नहा भी लिए और ना धोकर के तैयार होकर के बैठे हैं। रोज उस नाई की नजर जाती है राजा की दाढ़ी पर, क्योंकि लक्ष्य रोज दाढ़ी बनाना होता है, पर आज सीधा नजर गई नाई की राजा की गर्दन पर, क्योंकि लक्ष्य गर्दन काटना है। अब क्षत्रिय राजा है, राजपूत राजा, ये मोटी ताजी गर्दन। विचार किया कि मेरे इस साधारण उस्तरे से इतनी मोटी गर्दन कटने वाली नहीं है, क्यों ना इस उस्तरे की धार को तेज कर लूं ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। मेरे भाई बहनों, नाई ने अपना झोला नीचे उतारा, झोले में से एक पत्थर निकाला, पत्थर पर पानी डाल डाल करके उस उस्तरे की धार को तेज करने लगा। जैसे ही उस्तरा घिसने लगा, घिस 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 की आवाज आई, तो राजा को सुबह वाली पंक्तियां याद आ गई कि घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जेही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। मेरे भाई बहनों, सुनते ही दिमाग के सारे तार हिल गए। विचार किया कि मैं उस्तरा किस लिए घिस रहा हूं, ये राजा को कैसे पता चला। एक बार तो विचार किया यूं ही अपनी धुन में गा रहा होगा, लेकिन दोबारा जैसे ही घिसना प्रारंभ किया तो दोबारा फिर राजा ने बोलना शुरू कर दिया, घिसे घिसावे घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जही कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी। मेरे भाई बहनों, अब तो नाई समझ गया कि हो ना हो कल जो महात्मा जी आए थे ऐसा कोई मंत्र फूक के गए कि ये राजा अंतर्यामी हो गया है,
इसको पता चल गया है कि मैं उस तरह किस लिए घिस रहा हूँ, इसको मेरे उद्देश्यों का पता चल गया है, इसलिए अगर मैंने अभी भी माफी नहीं मांगी तो पक्का मेरी गर्दन कटेगी, माफी मांग लूं तो हो सकता है कहीं क्षमा प्रार्थना मिल जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये पंक्तियां सुनी, उस तरह फेंका, एक तरफ पत्थर फेंका, एक तरफ दौड़ के जाके राजा के चरणों में गिर गया। कहा, राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे मन में तो विचार ही नहीं आया था, मैं तो आपका कभी बुरा विचार भी नहीं कर सकता। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री जी मिल गए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि दाढ़ी की जगह गर्दन पर उस तरह घुमा देना और मैं राजा बन जाऊंगा, तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, बाकी मेरे तो मन में कभी बात ही नहीं आई। मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये बात सुनी, राजा को सारा माजरा समझ में आ गया और मेरे भाई बहनों, उस राजा के प्राण जाने से बच गए। अब विचार करना कि जब एक क्षण का सत्संग सुना, उस राजा ने सिर्फ दो बातें सुनी थी कि सुबह जल्दी उठ जाना और उठते ही सबसे पहला कार्य स्नान का करना। जब इतनी सी बातें सुनी तो राजा के प्राण जाने से बच गए। तो हमें तो भगवती गौ माता की कृपा से पूरे 7 दिन की कथा सुनने का अवसर मिला है। मेरे भाई बहनों, निश्चित ये 7 दिवसीय कथा हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं को मिटा करके रख देगी, इसमें कोई संदेह नहीं।